फातिमा, अब तो आपको अब्बू कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। क्यों? क्योंकि आप दोनों ने मेरे साथ इस तरह, क्योंकि तुम्हारी माँ मैं पैदा करके छोड़कर चली गई और तुम्हारा बाप तुम्हें अकेले पाल नहीं सकता था, और इसलिए इसलिए कि हमें तुमसे मोहब्बत हो गई थी बेटा, तुम हमारे लिए खुशनसीबी की अलामत थी। मुझ में हिम्मत नहीं होती थी बेटा कि तुम्हें अपने से जुदा कर सकूं। अब तो मुझे सब पता चल गया, जो अम्मी ने सलूक किया मेरे साथ, सारी जिंदगी जो डांट जिल्लत नाइंसाफी में सहती आई हूं, क्यों था वो अम्मी? सब इसलिए था क्योंकि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं थी अम्मी। आप मेरे साथ इस तरह करती रही, सारी नाइंसाफी। बेटा खुदा जानता है हमें, हमने तुम्हें दिल से प्यार दिया। बस कर दे, बस कर दे। जुल्म किया है आपने मुझ पर, आपने मुझ पर सिर्फ जुल्म किया है, मेरी सच्चाई छुपाकर और अपनी बीवी के भरोसे मुझे छोड़कर। फातिमा, तो अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ हाशमत की बीवी हूं। मत भूलो, सायरा तुम्हें छोड़कर चली गई थी, मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया था, और कांटे छुपा रखे थे अपने सीने में मुझे चुभोने के लिए। हशमत अंकल, क्या आपने ये बात अबू से भी छुपाई? नहीं बेटा, वलीद सब जानता था। मैं और वलीद यही चाहते थे कि वलीद को उसकी बेटी भी मिल जाए, चाहे बहू के रूप में। इसलिए बेटा मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। तो इसका मतलब ये कि अपनी बेटी पाने के लिए अब्बू ने मेरे और हानिया के दरमियान में दीवार खड़ी की ताकि उनकी बेटी बहू बनकर उनको वापस मिल जाए। ये उस माँ का हक था बेटा, जो सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए तड़पता रहा। तो फिर तो सायरा आंटी भी तड़पी होंगी ना।